पहले दिखाया कि करनाल के सेक्टर 13 में कालरा स्वीट्स ओपन हो चुका है, सेक्टर 13 में सबवे भी जो है आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। कोई भी परिवार, कोई भी यूथ यहां पर खाने के लिए ना आए, बल्कि सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। आप देख सकते हैं फर्स्ट यूज द हैंड सैनिटाइजर, इस तरह के इंतजाम सभी तरह के यहां पर किए गए हैं। करनाल के सेक्टर 13 में स्थित यहां पर सबवे में हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर तरह के इंतजाम ये किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे स्टाफ को यहां पर एक हाइजीन का ध्यान रखते हुए सभी ने मास्क डाले हुए हैं, सभी ने ग्लव्स डाले हुए हैं। और किस तरह से, क्योंकि 1.5-2 महीने से जो सारा सिस्टम ठप था, सारी सफाई की गई, फ्रीजर की सफाई की गई, उसके बाद आप देख सकते हैं सभी चीज को सैनिटाइज किया गया। कल शाम को जैसे ही ये आदेश आ गए थे, कल शाम से ही सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानों ने, बेकरी की दुकानों ने इसका ध्यान रखना शुरू कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि पूरी साफ सफाई के साथ सिर्फ फ्रेश मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जितना इस्तेमाल होगा उतना ही कट किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबवे ने पूरी तैयारी की हुई है, और इसी तरह की तैयारी करनाल के नीलकंठ ढाबा स्टार पर भी है। और इस समय नीलकंठ और सबवे के जो ओनर है भूपेंद्र लाठर, वो हमारे साथ मौजूद है। भूपेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? महामारी ने काफी परेशान किया लोगों को, और सबसे बड़ी बात, काफी परिवार और काफी लेबर के लोग भी आपसे भी जुड़े हुए थे, सभी होटल्स रेस्टोरेंट से प्रशासन ने राहत दी है, किस तरह के इंतजाम किए गए और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मीठा साहब, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से सबको गुड मॉर्निंग, और सबका दिन कुशल मंगल हो इसकी कामना करते हैं। देखिए, प्रशासन ने हमें पूरा सहयोग दिया है जी, स्टाफ हमारे पास जैसे सारा है, उन्होंने पूरा सैनिटाइज कर करके रेस्टोरेंट हमने ओपन किए हैं। बट प्रार्थना सिर्फ, जैसा प्रशासन की तरफ से हमें आदेश हुआ है तो हम सिर्फ होम डिलीवरी ही करेंगे। कोई भी अगर ऑर्डर्स आते हैं तो ओनली फॉर टेक अवे, डाइन इन नहीं होगा, चाहे वो सेक्टर 13 सबवे है, चाहे हमारा नीलकंठ है, नीलकंठ पे पिज्ज़ा है, बरिस्ता है, डोसा प्लाजा है, सबके सब आपको सिर्फ और सिर्फ टेक अवे ही मिलेंगे। डाइन इन के लिए हमें आदेश नहीं हुए तो हम डाइन इन नहीं करेंगे। जो सरकार के आदेश हैं हम उनकी पूरी पालना करेंगे, और सैनिटाइजेशन का हर तरह से ध्यान रखा गया कि कोई भी चीज़ हम रेगुलर उसको सैनिटाइज करते रहें और सारे दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। लॉकडाउन को लेकर लोगों से क्या अपील करेंगे? अभी भी ऐसे लोग हैं जो बगैर मतलब के बाहर घूमते हैं, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की सावधानी जरूर बरतनी है। हालांकि सरकार ने ये तमाम चीज़ें खोली हैं लोगों की सहूलियत के लिए, और कहीं ना कहीं जो व्यापार है वो उसको काफ़ी नुकसान हो रहा था, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों से? तो मैं एक आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ कि जी, जितना हो सके घरों में ही रहें। अगर किसी को कोई काम भी है तो घर का कोई एक सदस्य सिर्फ घर से निकले, ताकि बाजारों में भीड़ ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसफर ही इस बीमारी का सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम इस कम्युनिटी ट्रांसफर में इसको रोक सकते हैं तो हम विश्वव्यापी इस महामारी से बचने का हमारे पास एकमात्र उपाय है। टाइमिंग्स हमारा सुबह 8 बजे से लेकर के और रात को 9 बजे तक के रहेगा जी। 2 बजे तक दुकानों के शटर खुले रहेंगे, आप आकर के भी ऑर्डर दे सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा टेक अवे। बाकी आप ऑनलाइन जोमेटो और स्विगी के थ्रू या किसी ऑनलाइन साइट के थ्रू ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको पूरा सामान मिल जाएगा। तो ये आपने देखा सबवे की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, इसके बाद जुड़े रहिएगा, हम आपको कुछ और शहर के इलाकों में लेकर चलेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान जो है रखा गया है। जी हाँ, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है, जिसकी तस्वीरें इस समय करनाल के सेक्टर 13 में स्थित सबवे की देख रहे थे। इसी तरह का जो एक होम डिलीवरी है वो नीलकंठ स्टार ढाबा में भी रखी गई है, और हमारी आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों में बने रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो इस समय तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 की, जहां पर कल जिला प्रशासन ने जो आदेश दिए थे कि मिठाई की दुकान हो, बेकरी की दुकान हो, 8 से 2 बजे तक खुली रहेंगी और काउंटर सेल वे कर सकते हैं, हाइजीन का पूरा ध्यान रखना होगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के पुराने कालरा स्वीट्स पर हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं शुरुआत में ही हैंड सैनिटाइजर के साथ एक बंदा यहां पर खड़ा है। हैंड सैनिटाइजर होने के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भाई हाथ पे तो हमने किया है, माइक आईडी पर हैंड सैनिटाइजर कर दो। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हैंड सैनिटाइजर के बाद ही जो है अंदर जाने दिया जाएगा, और ताजा माल बनाया जाएगा और ताजा ही बेचा जाएगा। जितना माल की खपत होगी उतनी ही बेची जाएगी, जिस तरह से जिला प्रशासन, कल करनाल के जो उपायुक्त है निशांत कुमार यादव, उन्होंने ये जानकारी दी। आप ये देख सकते हैं कालरा स्वीट्स, जहां पर जितनी मिठाइयां तैयार कर ली गई सुबह सुबह उतनी यहां पर डिस्प्ले कर दी गई है। ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा, साफ सफाई आप देख सकते हैं किस तरह से, जो सभी इंप्लॉयज हैं ग्लव्स डाले हुए, मास्क डाले हुए, और जो पुराना सामान था, जो मठिया थी, उसको भी जो है यहां से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि पुराना माल 2 महीने में खराब भी हो जाता है, स्मेल भी आ जाती है। तो कालरा स्वीट से इस समय हमारे साथ है सर, किस तरह से जो है ध्यान रखा जा रहा है साफ सफाई का, आज पहले दिन जो है 45 दिन बाद दुकान खुली है? सैनिटाइजर से और जी पूरी साफ सफाई
रखी जाए। सारे माल ताजा बना है, सारा माल ताजा बने हैं, सारा दूध दा जो सारा ताजा है। पहले सफाई की होगी सारे? पहले सारी अनुसार सफाई करी है। कल से सफाई शुरू? हाँ, कल से रात से सफाई शुरू थी सर। जैसे दुकान की मुहूर्त होता है उसी हिसाब से सारे सामान बना के लगाया गया है। सारे सामान सैनिटाइज करके, इसको पूरी सैनिटाइज, हर एक चीज को सैनिटाइज करके प्रॉपर, एक बंदा भी बाहर दिया हुआ, कोई भी कस्टमर आएगा उसको प्रॉपर हाथ सैनिटाइज करके। तो क्या टाइमिंग है आपके? हमारी सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक है, बाकी 9 बजे तक होम डिलीवरी का भी है, जिसमें रेस्टोरेंट का खाने का है उसमें होम डिलीवरी का रहेगा, जिसमें 9 बजे तक आई थिंक रहेगा। और प्रॉपर हमारा जो भी सामान है अभी बिल्कुल फ्रेश हमने सारा तैयार किया। इस चीज का मेन ध्यान रखा जाए, पैकिंग के दौरान सभी कर्मचारियों के हैंड सैनिटाइज हो, अच्छी तरह से हैंड वॉश हो, इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाए जी। और हर एक को सैनिटाइज भी दे रखा है, हर एक के पास आप देखोगे सैनिटाइजर है, मास्क है, ग्लव्स है, जो हमारी तरफ से प्रॉपर कोशिश की जा रही है हम उसको कर रहे हैं। तो करनाल के कालड़ा स्वीट्स की समय आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर हम पहुंचे थे आपको दिखाने किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आपको आगे भी लेकर चलेंगे और भी तस्वीरें दिखाएंगे। इसलिए हमारी अपील आप सभी से, जो भी लोग इस वीडियो को देखे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। करनाल की सभी दुकानें जो खाने पीने की दुकानें थी, कल प्रशासन ने आदेश दिए थे कि सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खुलेंगी। और करनाल के नेहरू पैलेस में हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो मशहूर बेकरी की दुकान है कुमार केक्स एंड बेकर, सफाई का कार यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि तकरीबन 1.5 महीने सभी दुकानें बंद रही, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले सभी काउंटर्स को साफ किया जा रहा है, सभी फ्रीजर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, सफाई की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर जो फ्रेश बिस्किट्स आएंगे, फ्रेश केक्स आएंगे, उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। और जो पुराना मटेरियल था, पुराना मटेरियल सभी उठाया जा रहा है, उसको जो है डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, क्योंकि 2 महीने हो गए थे, गर्मी थी, चाहे मट्ठी की बात करें, बिस्किट्स की बात करें, सभी खराब हो गए थे, जिसके बाद फ्रेश चीज़ों को यहाँ पर रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रेश केक्स और पेस्ट्रीज जो है बना दी गई हैं, जिनको यहाँ पर रख दिया गया है। कुमार केक्स एंड बेकर्स पर इस समय मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। सर अभी सैनिटाइज वगैरह सब हो गया है प्रॉपर, हर एक को मास्क दिया गया है स्टाफ को, प्रॉपर ग्लव्स वगैरह, कैप्स वगैरह, उनकी सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, सैनिटाइज हर एक चीज़ प्रॉपर हो गई है। अभी कवर सारा बाहर से हो रहा है ताकि किसी को सीटिंग के लिए भी मतलब किसी को अलाउड नहीं है, अब सब तो चल ही रहा है। होगा कि 2 बजे तक आप जो है काउंटर सेल कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ होम डिलीवरी रहेगी आपकी। भैया कुमार केक से हैं सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? प्रशासन की तरफ से एक पहल की गई है, काफी समय से काम बंद हुआ हुआ था, और किस तरह से आप बताना चाहेंगे, तैयारी की है आपने, किस तरह से साफ सफाई चल रही है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं डीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने इनिशिएट लिया और खाने पीने का काम शुरू करवाया, इसकी बहुत ज़रूरत थी। एक तो हम यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था, दूसरी बात स्टाफ हमारा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, जो सबसे बड़ा रीज़न था। इनफैक्ट ये तक प्रॉब्लम आ गई थी कि साहब का हम पैदल चले जाएंगे, बट हमने उनको हौसला दिया कि रुको, यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा और सही टाइम पे सही फैसला लेगा, और जो कि लिया भी। और जो 8 से लेकर 2 तक जो उन्होंने वॉक इन के लिए जो मेन रखा है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। उन्होंने हमारे जो खाने पीने वाली लाइन, फूड इंडस्ट्री की लाइन का पूरा ख्याल रखा है कि पेरिशेबल गुड्स हैं हमारे, और उसके बाद इनका सामान खराब होता है तो इनको हर रोज़ खुलने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, और उन्होंने दी भी हमें। इनफैक्ट इसी चीज़ के लिए मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ। ऑर्डर आने शुरू हो चुके हैं, जोमेटो स्विगी के बॉय बाहर खड़े हैं, ऑर्डर आने शुरू बिल्कुल आ चुके हैं, थोड़े बहुत जैसे लोग हैं। और हम इस चीज़ का आपको एक और बात बता दें सर, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि कुमार केक्स एंड बेक्स सैनिटाइजेशन का, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखेगा, और आप बेफिक्र रहिए, कोई भी एंट्री होगी प्रॉपर इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हमारे पास, हम पहले चेक करेंगे तभी उस कस्टमर को एंट्री मिलेगी। अपील करेंगे कि होम डिलीवरी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, खुद आने से बचे कहीं ना कहीं। अभी बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कहूंगा जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है वही निकले, वरना होम डिलीवरी आपके पास ये फैसिलिटी है, इसी का ही आप मतलब ग्रैब करें। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दुकानदारों के चेहरों पर कुछ रौनक जरूर लौटी है, क्योंकि 2 महीने से दुकानें बंद थी। मैं आपको सामने की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, और आप देख सकते हैं करनाल के लोग बिल्कुल अपने आप में काफी चटोरे जरूर हैं, और जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सुबह ही दुकानें खुली हैं, अभी तैयारी हो ही रही है कि कुमार बेकर्स के बाहर जोमेटो वालों की लाइन लगना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो जोमेटो के बॉय हैं, ये भी कहीं ना कहीं कोरोना योद्धा जरूर है हमारे, क्योंकि जिस तरह से 2 महीने इन्होंने कितना साथ दिया शहर का, उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि करियाना था, सब्जी थी, फल थे, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, इन लोगों ने आगे आकर कहीं ना कहीं सरकार का, प्रशासन का, शहर का साथ दिया। हालांकि चार्जेस जरूर लिए, लेकिन हर आदमी कमाता जरूर है, लेकिन साथ जरूर दिया इस महामारी के दौरान, इन्होंने डिलीवरी जरूर की। और किस तरह से आप देख सकते हैं जोमेटो स्विगी बॉय है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सुबह सुबह ही ऑर्डर आने शुरू हो चुके हैं, जैसे ही मिठाई की बेकरी की दुकानें खुली हैं। हाँ जी सर, सवेरे सवेरे ऑर्डर आने लग गया है, और हमें बहुत खुशी है कि काम चालू हो गया दोबारा से।
क्या कुछ मंगा रहे हैं लोग सुबह सुबह? अभी तो अभी शुरू हुए हैं ऑर्डर, केक कुक के ऑर्डर शुरू हुए हैं सर, बाकी पेस्ट्रियां पुस्टियां हैं ये सब। आपके पास क्या ऑर्डर आया? अभी केक ऑर्डर आया। तो लगता है जन्मदिन होगा किसी का। जी हाँ जी। तो जन्मदिन भी मनाने हैं, एनिवर्सरी भी मनानी है, सालगिरह भी मनानी है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि जोमेटो वालों के चेहरों पर रंगत आई है, बाजार में रंगत आई है। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि बाहर निकलने से पहले जरूर सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा बाहर ना निकलिए। होम डिलीवरी के माध्यम से जो जरूरी सामान है, जरूरत पड़ने पर ही आप मंगाए। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से ये भी अपील करेगा कि जब तक कोरोना वायरस चल रहा है तो कोशिश ये कीजिए जितना बाहर का खाना, बाहर का सामान कम मंगा पाएं, उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। घर के खाने की आदत आपको अच्छी पड़ी है, घर के बच्चों को हेल्दी फूड आपने बना के खिलाया, घर के अन्य लोगों को आपने हेल्दी फूड बना के खिलाया, उस अच्छी आदत को कभी भी आप छोड़ना ना, उस अच्छी आदत को कभी भी आप भूलना ना, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। क्योंकि इम्यूनिटी जो स्ट्रांग होती है वो घर के खाने से ही होती है, घर का हेल्दी फूड अगर आप आगे की तरह परिवार के लोगों को खिलाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस क्या, उससे बड़े बड़े वायरस से भी आपकी जो बॉडी है वो लड़ने में सक्षम हो सकती है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। तो इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। हॉस्पिटल चौक पर स्थित बीकानेर स्वीट्स पर हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो 2 महीने से दुकानें बंद रही, फ्रिज बंद रहे, तो सभी सामान को पहले अच्छी तरह से साफ किया जा रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि पानी से उनकी धुलाई की गई है, उसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा, सफाई बहुत जरूरी है। और किस तरह से आप देख सकते हैं साफ सफाई के बाद ही सभी दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई थी, जिसकी तस्वीरें समय करनाल के बीकानेर स्वीट से आप देख सकते हैं कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए सभी जो रेस्टोरेंट्स हैं, सभी मिठाई की दुकानें हैं, वो खुलती हुई नजर आ रही है। 8 बजे से लेके 2 बजे तक ये लोग काउंटर सेल कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, ज्यादा लोग अंदर ना आए, गैप में खड़े रहें, हैंड सैनिटाइजर की बोतल यहाँ पर पड़ी हो। और दूसरा, 2 बजे के बाद सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसी तरह से रेस्टोरेंट्स के लिए, ढाबा के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होम डिलीवरी रखी गई है। और हमारी अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, हम आपको आगे लेकर चलेंगे। और शहर के दूसरे इलाकों की बेकरी, मिठाई की दुकानें, वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि करनाल के हॉस्पिटल चौक पर बीकानेर स्वीट्स पर हम मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, जो ओनर है उनसे जानना चाहेंगे किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। सुबह 8 से 2 बजे तक आप लोग जो है काउंटर सेल कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, और 2 बजे के बाद 9 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो किस तरह की तैयारियां की गई है? ऐसा हम डीसी साहब का पहले तो धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें परमिशन दी, कि उन्होंने यह कि एक तो साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखना है, और सुबह से हम यह है कि हमारे कर्मचारी है कि सफाई करने में लगे हुए हैं, ये कि अब साफ सफाई होगी, अब विशेषकर सामान बन रहा है, 2-4 घंटे में यह है कि प्रॉपर सामान हो भी जाएगा। तो भाई इससे फिर 8 से लेकर 2 बजे तक हम काउंटर सेल कर सकते हैं और 8 से लेकर 9 बजे तक हम होम डिलीवरी कर सकते हैं स्विगी जोमेटो ऑनलाइन के थ्रू, बट हमारे थ्रू नहीं हो पाएगी भाई, यह है कि ऑनलाइन ही की जाएगी। और यह है कि हम अपना विशेषकर ध्यान रखेंगे, साफ़ सफाई का सैनिटाइज़र करना है हर थोड़ी देर बाद, और लड़कों ने ग्लव्स और मास्क पहन के काम करना है। दुकानदारों से भी लोगों से अपील करेंगे, आप दुकानदार हैं, कि लोग कम से कम बाहर निकले, होम डिलीवरी से अगर मंगाना है तो वही मंगाएं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हर दुकानदार यही अपील करे कि भाई ऐसे जितने भी घर पे बैठे हैं लोग, घर से बाहर कम निकले कि और होम जो सामान मंगवाना है वो करके होम डिलीवरी ही मंगवाएं कृपया करके। तो ये आप देख सकते हैं करनाल के हॉस्पिटल चौक पर बीकानेर स्वीट्स पर हम मौजूद थे, लगातार लोगों से अपील की जाती है कि होम डिलीवरी से ही सामान मंगाए, और जितना हो सके अगर कुछ दिन आप गुरेज कर सकते हैं बाहर का खाना खाने से तो वो भी आप कर सकते हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने कहा था कि सभी तरह के इंतजामों के बाद सभी मिठाई की दुकानें, सभी बेकरी की दुकानें खुलती हुई आज सुबह नजर आ रही हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल की सभी खाने पीने की दुकानें खुल चुकी हैं, सभी पे साफ सफाई चल रही है। और किस तरह से करनाल के कुंजपुरा रोड पर मशहूर श्रीनाथ जी रेवड़ी एंड मिष्ठान भंडार के बाहर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं 1.5 से 2 महीने बाद दुकानें खुली हैं। अच्छी तरह से पहले पूरी सफाई होगी, उसके साथ अंदर माल को रखा जाएगा और पूरे प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज का ध्यान रखा जाएगा। श्रीनाथ जी से जो ओनर है इस समय भाटिया जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की तैयारी की जा रही है? प्रशासन ने कल छूट जरूर दी है 8 से 2 बजे तक ही जो है आप काउंटर सेल कर पाएंगे। हाँ। और उसके बाद होम डिलीवरी रहेगी, पहले किस तरह की तैयारी कर रहे हैं सर? आप 48 दिन के बाद आज हमने खोल लिया है, तो सारा पहले सफाई अभियान चलेगा, लगभग 2 घंटे लगेंगे इसे बनाने में। फिर 1-2 आइटम तैयार होंगी, उसको दे के पूरा सैनिटाइजर हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, जैसा कि डीसी साहब ने ऑर्डर किया है।
हर चीज जाएगी कि कम चीजें बनाई जाए और ताकि साथ के साथ ताजी चीजें बनाई जाए रोजाना। एक तो वैसे भी रूटीन में हम बहुत लिमिटेड वैरायटीज बनाते हैं और अब तो और भी ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्कुल लिमिटेड वैरायटीज जो नेसेसिटीज में आती है। जैसे डीसी साहब ने कहा कि 20-25 लोग विवाह शादी कर सकते हैं तो उसके लिए भगवान को भी घर में भोग लगाना हो तो मिष्ठान की जरूरत होती है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब ने, जो उन्होंने मान लिया, तो इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कि लोगों से भी अपील करेंगे कि कम से कम बाहर निकलें और होम डिलीवरी के माध्यम से सामान मंगा सकते हैं अगर जरूरत है तो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को कोशिश ये करेंगे कि आप हमें फोन कीजिए, आपके घर सामान पहुंच जाएगा, कम से कम बाहर निकले ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा हमने पालन करना है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं तो बचाव में ही बचाव है जिसको कहते हैं। कम से कम जो है बाहर निकले, होम डिलीवरी से ही सामान मंगाएं। और इस समय श्रीनाथ जी स्वीट्स के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे थे, जुड़े रहिएगा, शहर की और दुकानों से भी हम आपको इसी तरह से लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। होटल्स रेस्टोरेंट आज लंबे समय बाद खुले हैं। जी हाँ, 2 महीने बाद आप देख सकते हैं कि चावला चिकन, चावला वेज एंड नॉन वेज भी यहाँ पर अपनी तैयारी करता हुआ, सफाई करता हुआ। सबसे पहले सफाई जरूरी है और किस तरह से आप देख सकते हैं होम डिलीवरी के लिए सभी पैकेट्स का ध्यान रखा जा रहा है, होम डिलीवरी ही सिर्फ होगी। एक अपील ये भी की जाती है बार बार सभी से कि कुछ भी सामान उठाने से पहले अपने हैंड सैनिटाइज करें, कुछ भी सामान पैक करने के समय हैंड सैनिटाइज करें। और आप देख सकते हैं चावला वेज एंड नॉन वेज जहाँ पर सभी सफाई की तैयारियां की जा रही हैं, सभी सफाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 महीने से आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें बंद थी, तो हाइजीन का ध्यान जरूर रखा जाए। सभी लोगों से हमारी अपील है कि अपने अपने घरों में रहिए और होम डिलीवरी से ही आप ये चीजें मंगा सकते हैं। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपसे ये भी अपील करेगा, जितना हो सके अभी कुछ एक दिन और कोशिश कीजिएगा कि अगर बाहर का खाने से आप बच सकते हैं तो जरूर बचिएगा। जितना हो सके इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बाहर का खाना कम से कम अभी आप ऑर्डर करें। लेकिन क्योंकि सभी कर्मचारी सभी दुकानों पे काम किया करते थे, व्यापार ठप होता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते हालांकि प्रशासन ने परमिशन जरूर दी है लेकिन तमाम तरह के एहतियात बरते जाने के बाद आपने ये सामान तैयार करना है और इसकी सिर्फ होम डिलीवरी आप कर सकते हैं। पहले दिखाया कि करनाल के सेक्टर 13 में कालरा स्वीट्स ओपन हो चुका है, सेक्टर 13 में सबवे भी जो है आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। कोई भी परिवार, कोई भी यूथ यहां पर खाने के लिए ना आए बल्कि सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। आप देख सकते हैं फर्स्ट यूज द हैंड सैनिटाइजर, इस तरह के इंतजाम सभी तरह के यहां पर किए गए हैं। करनाल के सेक्टर 13 में स्थित यहां पर सबवे में हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर तरह के इंतजाम ये किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे स्टाफ को यहाँ पर एक हाइजीन का ध्यान रखते हुए सभी ने मास्क डाले हुए हैं, सभी ने ग्लव्स डाले हुए हैं। और किस तरह से, क्योंकि 1.5-2 महीने से जो सारा सिस्टम ठप था, सारी सफाई की गई, फ्रीजर की सफाई की गई, उसके बाद आप देख सकते हैं सभी चीज को सैनिटाइज किया गया। कल शाम को जैसे ही ये आदेश आ गए थे, कल शाम से ही सभी होटल्स रेस्टोरेंट्स मिठाई की दुकानों ने, बेकरी की दुकानों ने इसका ध्यान रखना शुरू कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि पूरी साफ सफाई के साथ सिर्फ फ्रेश मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जितना इस्तेमाल होगा उतना ही कट किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबवे ने पूरी तैयारी की हुई है और इसी तरह की तैयारी करनाल के नीलकंठ ढाबा स्टार पर भी है। और इस समय नीलकंठ और सबवे के जो ओनर है भूपेंद्र लाठर, वो हमारे साथ मौजूद है। भूपेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? महामारी ने काफी परेशान किया लोगों को और सबसे बड़ी बात काफी परिवार और काफी लेबर के लोग भी आपसे भी जुड़े हुए थे, सभी होटल्स रेस्टोरेंट से प्रशासन ने राहत दी है, किस तरह के इंतजाम किए गए और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मीठा साहब, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सबको गुड मॉर्निंग और सबका दिन कुशल मंगल हो इसकी कामना करते हैं। देखिए, प्रशासन ने हमें पूरा सहयोग दिया है जी, स्टाफ हमारे पास जैसे सारा है, उन्होंने पूरा सैनिटाइज कर करके रेस्टोरेंट हमने ओपन किए हैं। बट प्रार्थना सिर्फ, जैसा प्रशासन की तरफ से हमें आदेश हुआ है तो हम सिर्फ होम डिलीवरी ही करेंगे। कोई भी अगर ऑर्डर्स आते हैं तो ओनली फॉर टेक अवे, डाइन इन नहीं होगा, चाहे वो सेक्टर 13 सबवे है, चाहे हमारा नीलकंठ है, नीलकंठ पे पिज़्ज़ा है, बरिस्ता है, डोसा प्लाजा है, सबके सब आपको सिर्फ और सिर्फ टेक अवे ही मिलेंगे। डाइन इन के लिए हमें आदेश नहीं हुए तो हम डाइन इन नहीं करेंगे। जो सरकार के आदेश हैं हम उनकी पूरी पालना करेंगे और सैनिटाइजेशन का हर तरह से ध्यान रखा गया कि कोई भी चीज़ हम रेगुलर उसको सैनिटाइज करते रहें और सारे दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। लॉकडाउन को लेकर लोगों से क्या अपील करेंगे? अभी भी ऐसे लोग हैं जो बगैर मतलब के बाहर घूमते हैं, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की सावधानी जरूर बरतनी है। हालांकि सरकार ने ये तमाम चीज़ें खोली हैं लोगों की सहूलियत के लिए और कहीं ना कहीं जो व्यापार है वो उसको काफ़ी नुकसान हो रहा था, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों से? तो मैं एक आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ कि जी जितना हो सके घरों में ही रहें, अगर किसी को कोई काम भी है तो घर का कोई एक सदस्य सिर्फ घर से निकले ताकि बाजारों में भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसफर ही इस बीमारी का सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम इस कम्युनिटी ट्रांसफर में इसको रोक सकते हैं
तो हम विश्वव्यापी इस महामारी से बचने का हमारे पास एकमात्र उपाय है। टाइमिंग्स हमारा सुबह 8 बजे से लेकर के और रात को 9 बजे तक के रहेगा जी। 2 बजे तक दुकानों के शटर खुले रहेंगे, आप आकर के भी ऑर्डर दे सकते हैं जो आपको मिल जाएगा टेक अवे, बाकी आप ऑनलाइन जोमेटो और स्विगी के थ्रू या किसी ऑनलाइन साइट के थ्रू ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको पूरा सामान मिल जाएगा। तो ये आपने देखा सबवे की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, इसके बाद जुड़े रहिएगा, हम आपको कुछ और शहर के इलाकों में लेकर चलेंगे जहां पर आप देख सकते हैं कि साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान जो है रखा गया है। जी हाँ, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है, जिसकी तस्वीरें इस समय करनाल के सेक्टर 13 में स्थित सबवे की देख रहे थे। इसी तरह का जो एक होम डिलीवरी है वो नीलकंठ स्टार ढाबा में भी रखी गई है, और हमारी आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों में बने रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो इस समय तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 की, जहां पर कल जिला प्रशासन ने जो आदेश दिए थे कि मिठाई की दुकान हो, बेकरी की दुकान हो, 8 से 2 बजे तक खुली रहेंगी और काउंटर सेल वे कर सकते हैं, हाइजीन का पूरा ध्यान रखना होगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के पुराने कालड़ा स्वीट्स पर हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं शुरुआत में ही हैंड सैनिटाइजर के साथ एक बंदा यहां पर खड़ा है। हैंड सैनिटाइजर होने के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भाई हाथ पे तो हमने किया है, माइक आईडी पर हैंड सैनिटाइजर कर दो। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हैंड सैनिटाइजर के बाद ही जो है अंदर जाने दिया जाएगा और ताजा माल बनाया जाएगा और ताजा ही बेचा जाएगा। जितना माल की खपत होगी उतनी ही बेची जाएगी। जिस तरह से जिला प्रशासन कल करनाल के जो उपायुक्त है निशांत कुमार यादव, उन्होंने यह जानकारी दी, आप ये देख सकते हैं कालड़ा स्वीट्स जहां पर जितनी मिठाइयां तैयार कर दी गई सुबह सुबह उतनी यहां पर डिस्प्ले कर दी गई है। ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा, साफ सफाई आप देख सकते हैं किस तरह से जो सभी इम्प्लॉयज हैं ग्लव्स डाले हुए, मास्क डाले हुए, और जो पुराना सामान था जो मठियां थी उसको भी जो है यहां से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि पुराना माल 2 महीने में खराब भी हो जाता है, स्मेल भी आ जाती है। तो कालड़ा स्वीट से इस समय हमारे साथ है सर, किस तरह से जो है ध्यान रखा जा रहा है साफ सफाई का, आज पहले दिन जो है 45 दिन बाद दुकान खुली है। सैनिटाइजर से और जी पूरी साफ सफाई रखी जाए, सारे माल ताजा बना है, सारा माल ताजा बने है, सारा दूध दा जो सारा ताजा है। पहले सफाई की होगी सारे, पहले सारी अनुसार सफाई करी है, कल से सफाई शुरू, हाँ कल से रात से सफाई शुरू थी सर। जैसे दुकान की मुहूर्त होता है उसी हिसाब से सारे सामान बना के लगाया गया है, सारे सामान सैनिटाइज करके, इसको पूरी सैनिटाइज, हर एक चीज को सैनिटाइज करके प्रॉपर, एक बंदा भी बाहर दिया हुआ है, कोई भी कस्टमर आएगा उसको प्रॉपर हाथ सैनिटाइज करके। क्या टाइमिंग है आपके? हमारी सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक है, बाकी 9 बजे तक होम डिलीवरी का भी है, जिसमें रेस्टोरेंट का खाने का है उसमें होम डिलीवरी का रहेगा, जिसमें 9 बजे तक आई थिंक रहेगा, और प्रॉपर हमारा जो भी सामान है अभी बिल्कुल फ्रेश हमने सारा तैयार किया। इस चीज का मेन ध्यान रखा जाए, पैकिंग के दौरान सभी कर्मचारियों के हैंड सैनिटाइज हो, अच्छी तरह से हैंड वॉश हो, इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाए जी। हर एक को सैनिटाइज भी दे रखा है, हर एक के पास आप देखोगे सैनिटाइजर है, मास्क है, ग्लव्स है, जो हमारी तरफ से प्रॉपर कोशिश की जा रही है हम उसको कर रहे हैं। तो करनाल के कालड़ा स्वीट्स की समय आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर हम पहुंचे थे आपको दिखाने किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आपको आगे भी लेकर चलेंगे और भी तस्वीरें दिखाएंगे, इसलिए हमारी अपील आप सभी से, जो भी लोग इस वीडियो को देखे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। करनाल की सभी दुकानें जो खाने पीने की दुकानें थी, कल प्रशासन ने आदेश दिए थे कि सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खुलेंगी, और करनाल के नेहरू पैलेस में हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो मशहूर बेकरी की दुकान है कुमार केक्स एंड बेकर, सफाई का कार यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि तकरीबन 2.5 महीने सभी दुकानें बंद रही, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले सभी काउंटर्स को साफ किया जा रहा है, सभी फ्रीजर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, सफाई की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर जो फ्रेश बिस्किट्स आएंगे, फ्रेश केक्स आएंगे, उनको यहाँ पर रखा जा रहा है, और जो पुराना मटेरियल था, पुराना मटेरियल सभी उठाया जा रहा है, उसको जो है डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, क्योंकि 2 महीने हो गए थे, गर्मी थी, चाहे मट्ठी की बात करें, बिस्किट्स की बात करें, सभी खराब हो गए थे, जिसके बाद फ्रेश चीज़ों को यहाँ पर रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रेश केक्स और पेस्ट्रीज जो है बना दी गई है, जिनको यहाँ पर रख दिया गया है। कुमार केक्स एंड बेकर्स पर इस समय मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। सर अभी सैनिटाइज वगैरह सब हो गया है प्रॉपर, हर एक को मास्क दिया गया है स्टाफ को, प्रॉपर ग्लव्स वगैरह, कैप्स वगैरह, उनकी सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, सैनिटाइज हर एक चीज़ प्रॉपर हो गई है। अभी कवर सारा बाहर से हो रहा है ताकि किसी को सीटिंग के लिए भी मतलब किसी को अलाउड नहीं है, अब सब तो चल ही रहा है। पता होगा कि 2 बजे तक आप जो है काउंटर सेल कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ होम डिलीवरी रहेगी आपकी। समय कुमार केक से है सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, प्रशासन की तरफ से एक पहल की गई है, काफी समय से काम बंद हुआ हुआ था, और किस तरह से आप बताना चाहेंगे तैयारी की है आपने, किस तरह से साफ सफाई चल रही है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं डीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने इनिशिएट लिया और खाने पीने का काम शुरू करवाया, इसकी बहुत ज़रूरत थी। एक तो हम यहाँ पे मतलब
ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। दूसरी बात, स्टाफ हमारा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, जो सबसे बड़ा रीज़न था। इनफैक्ट ये तक प्रॉब्लम आ गई थी कि स्टाफ का हम पैदल चले जाएंगे, बट हमने उनको हौसला दिया कि रुको, यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा और सही टाइम पे सही फैसला लेगा, और जो कि लिया भी। और जो 8 से लेकर 2 तक जो उन्होंने वॉक इन के लिए जो मेन रखा है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। उन्होंने हमारे जो खाने पीने वाली लाइन, फूड इंडस्ट्री की लाइन का पूरा ख्याल रखा है कि पेरिशेबल गुड्स हैं हमारे, और उसके बाद इनका सामान ख़राब होता है तो इनको हर रोज़ खुलने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, और उन्होंने दी भी हमें। इनफैक्ट इसी चीज़ के लिए मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ। ऑर्डर आने शुरू हो चुके हैं, जोमेटो स्विगी के बॉय बाहर खड़े हैं, ऑर्डर आने शुरू बिल्कुल आ चुके हैं, थोड़े बहुत जैसे लोग हैं। और हम इस चीज़ का आपको एक और बात बता दें सर, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि कुमार केक्स एंड बेक्स सैनिटाइजेशन का, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखेगा, और आप बेफिक्र रहिए, कोई भी एंट्री होगी प्रॉपर इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हमारे पास, हम पहले चेक करेंगे तभी उस कस्टमर को एंट्री मिले। अपील करेंगे कि होम डिलीवरी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, खुद आने से बचे कहीं ना कहीं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगा जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही निकले, वरना होम डिलीवरी आपके पास ये फैसिलिटी है, इसी का ही आप मतलब ग्रैब करें। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दुकानदारों के चेहरों पर कुछ रौनक जरूर लौटी है, क्योंकि 2 महीने से दुकानें बंद थी। मैं आपको सामने की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, और आप देख सकते हैं करनाल के लोग बिल्कुल अपने आप में काफी चटोरे जरूर हैं, और जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सुबह ही दुकानें खुली हैं, अभी तैयारी हो ही रही है कि कुमार बेकर्स के बाहर जोमेटो वालों की लाइन लगना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो जोमेटो के बॉय हैं, ये भी कहीं ना कहीं कोरोना योद्धा जरूर है हमारे, क्योंकि जिस तरह से 2 महीने इन्होंने कितना साथ दिया शहर का, उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि करियाना था, सब्जी थी, फल थे, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, इन लोगों ने आगे आकर कहीं ना कहीं सरकार का, प्रशासन का, शहर का साथ दिया। हालांकि चार्जेस जरूर लिए, लेकिन हर आदमी कमाता जरूर है, लेकिन साथ जरूर दिया इस महामारी के दौरान, इन्होंने डिलीवरी जरूर की। और किस तरह से आप देख सकते हैं जोमेटो स्विगी बॉय है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सुबह सुबह ही ऑर्डर आने शुरू हो चुके हैं, जैसे ही मिठाई की बेकरी की दुकानें खुली हैं। हाँ जी सर, सवेरे सवेरे ऑर्डर आने लग गया, और हमें बहुत खुशी है कि काम चालू हो गया दोबारा से। क्या कुछ मंगा रहे हैं लोग सुबह सुबह? अभी तो अभी शुरू हुए हैं ऑर्डर, केक कुक के ऑर्डर शुरू हुए हैं सर, बाकी पेस्ट्रियाँ वुस्टियाँ हैं। जन्मदिन भी मनाने हैं, एनिवर्सरी भी मनानी है, सालगिरह भी मनानी है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि जोमेटो वालों के चेहरों पर रंगत आई है, बाजार में रंगत आई है। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि बाहर निकलने से पहले जरूर सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा बाहर ना निकलिए, होम डिलीवरी के माध्यम से जो जरूरी सामान है जरूरत पड़ने पर ही आप मंगाए। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से ये भी अपील करेगा कि जब तक कोरोना वायरस चल रहा है तो कोशिश ये कीजिए जितना बाहर का खाना, बाहर का सामान कम मंगा पाए, उस चीज का जरूर ध्यान रखें। घर के खाने की आदत आपको अच्छी पड़ी है, घर के बच्चों को हेल्दी फूड आपने बना के खिलाया, घर के अन्य लोगों को आपने हेल्दी फूड बना के खिलाया, उस अच्छी आदत को कभी भी आप छोड़ना ना, उस अच्छी आदत को कभी भी आप भूलना ना, इस चीज का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि इम्यूनिटी जो स्ट्रांग होती है वो घर के खाने से ही होती है। घर का हेल्दी फूड अगर आप आगे की तरह परिवार के लोगों को खिलाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस क्या, उससे बड़े बड़े वायरस से भी आपकी जो बॉडी है वो लड़ने में सक्षम हो सकती है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। हॉस्पिटल चौक पर स्थित बीकानेर स्वीट्स पर हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो 2 महीने से दुकानें बंद रही, फ्रिज बंद रहे, तो सभी सामान को पहले अच्छी तरह से साफ किया जा रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि पानी से उनकी धुलाई की गई है, उसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा, सफाई बहुत जरूरी है। और किस तरह से आप देख सकते हैं साफ सफाई के बाद ही सभी दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई थी, जिसकी तस्वीरें समय करनाल के बीकानेर स्वीट से आप देख सकते हैं कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए सभी जो रेस्टोरेंट्स हैं, सभी मिठाई की दुकानें हैं, वो खुलती हुई नजर आ रही है। 8 बजे से लेके 2 बजे तक ये लोग काउंटर सेल कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, ज्यादा लोग अंदर ना आए, गैप में खड़े रहें, हैंड सैनिटाइजर की बोतल यहाँ पर पड़ी हो। और दूसरा, 2 बजे के बाद सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसी तरह से रेस्टोरेंट्स के लिए, ढाबा के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होम डिलीवरी रखी गई है। और हमारी अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, हम आपको आगे लेकर चलेंगे, और शहर के दूसरे इलाकों की बेकरी, मिठाई की दुकानें, वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि करनाल के हॉस्पिटल चौक पर बीकानेर स्वीट्स पर हम मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, जो ओनर है उनसे जानना चाहेंगे किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा।
सुबह 8 से 2 बजे तक आप लोग जो है काउंटर सेल कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, और 2 बजे के बाद 9 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो किस तरह की तैयारियां की गई है? ऐसा है, हम डीसी साहब का पहले तो धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें परमिशन दी, कि उन्होंने यह है कि एक तो साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखना है, और सुबह से हम यह है कि हमारे कर्मचारी है कि सफाई करने में लगे हुए हैं, यह कि अब साफ सफाई होगी, अब विशेषकर सामान बन रहा है, 2-4 घंटे में यह है कि प्रॉपर सामान हो भी जाएगा। तो भाई इससे फिर 8 से लेके 2 बजे तक हम काउंटर सेल कर सकते हैं, और 8 से लेके 9 बजे तक हम होम डिलीवरी कर सकते हैं स्विगी जोमेटो ऑनलाइन के थ्रू, बट हमारे थ्रू नहीं हो पाएगी भाई, यह है कि ऑनलाइन ही की जाएगी। और यह है कि हम अपना विशेषकर ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का सैनिटाइजर करना है हर थोड़ी देर बाद, और लड़कों ने ग्लव्स और मास्क पहन के काम करना है। दुकानदारों से भी लोगों से अपील करेंगे, आप दुकानदार हैं, कि लोग कम से कम बाहर निकले, होम डिलीवरी से अगर मंगाना है तो वही मंगाएं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हर दुकानदार यही अपील करे कि भाई कहते जितने भी घर पे बैठे हैं लोग, घर से बाहर कम निकले कि, और होम जो सामान मंगवाना है कि वो करके होम डिलीवरी ही मंगवाएं कृपया। तो ये आप देख सकते हैं करनाल के हॉस्पिटल चौक पर बीकानेर स्वीट्स पर हम मौजूद थे। लगातार लोगों से अपील की जाती है कि होम डिलीवरी से ही सामान मंगाए, और जितना हो सके अगर कुछ दिन आप गुरेज कर सकते हैं बाहर का खाना खाने से तो वो भी आप कर सकते हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने कहा था कि सभी तरह के इंतजामों के बाद सभी मिठाई की दुकानें, सभी बेकरी की दुकानें खुलती हुई आज सुबह नजर आ रही हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल की सभी खाने पीने की दुकानें खुल चुकी हैं, सभी पे साफ सफाई चल रही है, और किस तरह से करनाल के कुंजपुरा रोड पर मशहूर श्रीनाथ जी रेवड़ी एंड मिष्ठान भंडार के बाहर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं 1.5 से 2 महीने बाद दुकानें खुली हैं। अच्छी तरह से पहले पूरी सफाई होगी, उसके साथ अंदर माल को रखा जाएगा और पूरे प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज का ध्यान रखा जाएगा। श्रीनाथ जी से जो ओनर है इस समय भाटिया जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की तैयारी की जा रही है? प्रशासन ने कल छूट जरूर दी है 8 से 2 बजे तक ही जो है आप काउंटर सेल कर पाएंगे, और उसके बाद होम डिलीवरी रहेगी, पहले किस तरह की तैयारी कर रहे हैं सर? आप 48 दिन के बाद आज हमने खोल लिया है, तो सारा पहले सफाई अभियान चलेगा, लगभग 2 घंटे लगेंगे इसे बनाने में, फिर 1-2 आइटम तैयार होंगी, उसको दे के पूरा सैनिटाइजर हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा जैसा कि डीसी साहब ने ऑर्डर किया है। तो हर चीज़ जाएगी कि कम चीज़ें बनाई जाएं, और ताकि साथ के साथ ताज़ी चीज़ें बनाई जाए रोजाना। एक तो वैसे भी रूटीन में हम बहुत लिमिटेड वैरायटीज़ बनाते हैं, और अब तो और भी ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्कुल लिमिटेड वैरायटीज़ जो नेसेसिटीज़ में आती हैं। जैसे डीसी साहब ने कहा कि 20-25 लोग विवाह शादी कर सकते हैं, तो उसके लिए भगवान को भी घर में भोग लगाना तो मिष्ठान की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब ने, जो उन्होंने मान लिया, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कि लोगों से भी अपील करेंगे कि कम से कम बाहर निकलें, और होम डिलीवरी के माध्यम से सामान मंगा सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को कोशिश ये करेंगे कि आप हमें फ़ोन कीजिए, आपके घर सामान पहुंच जाएगा, कम से कम बाहर निकलें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज़्यादा हमने पालन करना है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं, तो बचाव में ही बचाव है जिसको कहते हैं। कम से कम जो है बाहर निकले, होम डिलीवरी से ही सामान मंगाएं। और इस समय श्रीनाथ जी स्वीट्स के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे थे, जुड़े रहिएगा, शहर की और दुकानों से भी हम आपको इसी तरह से लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। होटल्स रेस्टोरेंट आज लंबे समय बाद खुले हैं, जी हाँ, 2 महीने बाद आप देख सकते हैं कि चावला चिकन, चावला वेज एंड नॉन वेज भी यहाँ पर अपनी तैयारी करता हुआ, सफाई करता हुआ। सबसे पहले सफाई जरूरी है, और किस तरह से आप देख सकते हैं होम डिलीवरी के लिए सभी पैकेट्स का ध्यान रखा जा रहा है, होम डिलीवरी ही सिर्फ होगी। एक अपील ये भी की जाती है बार बार सभी से कि कुछ भी सामान उठाने से पहले अपने हैंड सैनिटाइज करें, कुछ भी सामान पैक करने के समय हैंड सैनिटाइज करें। और आप देख सकते हैं चावला वेज एंड नॉन वेज, जहाँ पर सभी सफाई की तैयारियाँ की जा रही हैं, सभी सफाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 महीने से आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें बंद थी, तो हाइजीन का ध्यान जरूर रखा जाए। सभी लोगों से हमारी अपील है कि अपने अपने घरों में रहिए, और होम डिलीवरी से ही आप ये चीज़ें मंगा सकते हैं। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे ये भी अपील करेगा, जितना हो सके अभी कुछ एक दिन और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप बाहर का खाने से आप बच सकते हैं तो ज़रूर बचिएगा, जितना हो सके इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बाहर का खाना कम से कम अभी आप ऑर्डर करें। लेकिन क्योंकि सभी कर्मचारी सभी दुकानों पे काम किया करते थे, व्यापार ठप होता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते हालांकि प्रशासन ने परमिशन जरूर दी है, लेकिन तमाम तरह के एहतियात बरते जाने के बाद आपने ये सामान तैयार करना है, और इसकी सिर्फ होम डिलीवरी आप कर सकते हैं।